हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सीएमपीसी परिवार के मेरे सभी प्रिय मित्रों को सादर नमस्ते। आप जिस लक्ष्य के लिए लगातार लग रहे थे, उस लक्ष्य के लिए हमारा वो टाइम आ चुका है। 23 और 24 जुलाई, आप सभी फुल फ्लेश तैयारी में होंगे। मुझे ये पता है जिस तरीके से आपके कमेंट आते थे और जिस तरीके से आप अपने सीएमपीसी चैनल पर बने रहे और हर वीडियो को लाइक किया, हर वीडियो को आपने देखा और हर कंटेंट को आपने पूरा देख करके मुझे मोटिवेट किया, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आपको अपना लक्ष्य मिले और आप इस आने वाले ये 4 या 5 दिन बाद जो एग्ज़ाम है, आने वाले इस लक्ष्य को हासिल करें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। देखिए, अब मैं आज जो कोई भी कंटेंट लेकर के आपके सामने नहीं आया हूँ, आज का जो मेन बात जो है, मेन पार्ट जो है वो ये है कि एग्ज़ाम में जब हम एंटर होते हैं, चाहे जिसके 23 जुलाई को है या किसी के 24 जुलाई को है, चाहे फर्स्ट पारी में है या सेकेंड पारी में, आप जब एग्ज़ाम में एंटर करें उसके पहले आपको थोड़ा सा किस तरीके से प्रिपेयर होना है वो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगा मेरे अनुभवों को। वैसे आप सभी एग्ज़ाम कितने दे चुके हैं, आपको अनुभव है, आप सभी जानते हैं कि किस एग्ज़ाम को कैसे दिया जाता है और एग्ज़ाम में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये आपको पता है। फिर भी क्योंकि आप लंबे टाइम से इस चैनल से जुड़े हैं, मेरे से आप व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, तो आत्मीय रूप से जुड़े हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उस एग्ज़ाम के अंदर आप बहुत अच्छा करें और कुछ जो गलतियाँ होने की संभावना जो बनती है हम उनको नहीं करें और सतर्क रहें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जाएँ एग्ज़ाम देने तो आपको जो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इसके अंदर आपको पता है, फिर भी मैं आपसे बुनाना चाहूँगा, प्रवेश पत्र कंप्लीट हो, उसके अंदर हमारे रोल नंबर कहाँ है, एप्लीकेशन आईडी क्या है, आपका नाम, फ़ोटो वगैरह व्यवस्थित उस पर है या नहीं, एक एक चीज़ को हमें पूरा देख लेना चाहिए, एडमिशन कार्ड को हमें अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, प्रयास ये करना चाहिए कि उसके पीछे जो भी या नीचे जो इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं उनको हमें एक बार नहीं, 2 बार 3 बार हमें ठीक से उसको पढ़ लेना चाहिए। एडमिशन कार्ड के बाद में साथ में जो भी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे ख़ास तौर से आईडी आप कहीं भी ले लें, जैसे कुछ भी है आपके वोटर आईडी हो सकता है, वोटर आईडी आप अगर मालूम नहीं बना है तो आपके कोई भी जो भी आईडी है फ़ोटो वाला, ठीक है ना, फ़ोटो पहचान पत्र वगैरह जो भी हो वो आपको ज़रूर साथ में रखना है और ये भी सारे ओरिजिनल रखने हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा, ये इसके अंदर गलती नहीं हो, सबसे पहली बात है जो ये याद रखनी है। दूसरी बात, तीसरी बात, एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो कोशिश ये करें कि एग्ज़ाम सेंटर पर आप कम से कम 2 घंटे से 2.5 घंटे के पहले आप पहुँच जाएँ, कभी भी होच पोच वाली स्थिति नहीं बने, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और हो सके तो आप नाइट का सफ़र करके सवेरे एग्ज़ाम नहीं दें। आपको अगर उसके पहले रेस्ट करने का टाइम मिल जाए तो आपके जो है इस कंप्यूटर को थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो आप 24 घंटे अगर पहले पहुँच जाएँ तो भी अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके, क्योंकि वैसे जो जनरली एग्ज़ाम सेंटर आपके मोस्ट ऑफ आपके जो हेड क्वार्टर पे दिया है, जिला मुख्यालय पर ही, कुछ लोगों के जिले के पास वाले ज़िले में दे रखे हैं, तो ऐसे लोगों को अगर 100 किलोमीटर की रेंज है या मैं तो कह रहा हूँ 50 किलोमीटर की भी रेंज भी है तो आप थोड़ा पहले एक दिन पहले चले जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन का आपको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, इससे आपको क्या है कि एक आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो कि हमें एग्ज़ाम में क्या करना है, नहीं तो फिर आप जर्नी में
कहाँ बस मिलेगी, कहाँ जाऊँगा, वहाँ उतरूँगा, ऑटो मिलेगा, वो मिलेगा, स्कूल कहाँ होगा, मेरा सेंटर कहाँ होगा, इन सभी में आप थोड़ा सा अपना आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो हो सके तो आप पहले जाके प्रिपेयर हो ले, ये आपको ध्यान रखना है। 100 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस है तो आपको पहले चले ही जाना चाहिए, पक्की बात। आपको जर्नी नहीं करनी चाहिए उस नाइट को, ठीक है। फिर ये तो हुई टाइम वाली बात, आप सेंटर पर पहुँच गए। फिर नंबर आता है 4, सबसे खास बात, OMR शीट। देखिए अब यूनिक, मतलब कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं OMR शीट कैसे भरी जाती है, लेकिन हर एग्ज़ाम में कितने लोग आते हैं, अरे मेरे OMR शीट में ये मिस्टेक हो गई, मेरे वहाँ ये मिस्टेक हो गई। देखिए ह्यूमन नेचर है, मानवीय भूल से गलतियाँ हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, आज भी बताता हूँ मैं, ठीक है ना। तो OMR शीट के अंदर जो जो आपके कॉलम है, उन कॉलम को आप अच्छे तरीके से देख लें, पढ़ लें। डेट ऑफ बर्थ हुआ, आपका नेम हुआ, एप्लीकेशन ID हुआ, वो अपने जो जो उत्तर पुस्तिका है या उसकी जो अगर उसके नंबर भरने हैं वो नंबर है, आराम से आप एक एक डिजिट को उसमें देख करके पहले उसके अंदर भर लें, फिर ऊपर से जो भी है आप बबल्स करें। सबसे खास बात, बबल्स करने में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। सावधानी कुछ नहीं है, देखिए बर्डन नहीं लेना है, बोझ नहीं लेना है, बिल्कुल हल्के। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपकी फुल फ्लेश तैयारी है। आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे ये मुझे पूरा पता है, आपकी अच्छी तैयारी है। बस वो तैयारी अच्छी है, उस तैयारी का हमें फ़ायदा कब मिलेगा, जब हम OMR शीट को ठीक से भर दें। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा इसके अंदर, और एक एक कॉलम को ठीक से देख करके और आपको स्टडी कर लेनी है और फिर उसको भरना है। बबल्स में ही खास ध्यान रखना है, ठीक है। आराम से सही ढंग से देखा डिजिट और डिजिट को बबल किया, फिर देखा और फिर बबल किया। तो ये आपको इस तरीके से इसमें बबल्स करने में ध्यान रखना है। फिर जो नीचे साइन करने हैं वहाँ आप साइन करें ठीक से। जब देख लिया कि OMR शीट की अपनी जो खुद के यानी पर्सनल जो डिटेल्स है उसको आपने ठीक से भर ली है, उसके बाद पेपर का नंबर आएगा। तो ये चीज़ें आपको ठीक से भर लेनी, आप पूरी तरह से आश्वस्त हो लें, कहीं पर भी ब्लेड या फिर फ्लूइड वगैरह यूज़ करने वाला मामला ज़्यादा नहीं रखना, हो सके तो टाल देना उसको, किसी भी प्रकार की रिस्क से हमें बचना है। ये तो हुआ OMR शीट वाला मामला। अब हम चलते हैं पेपर की तरफ, यानी हमारी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए आपके पास 2.5 घंटे हैं, आपको पता है आपके पास में 2.5 घंटे हैं, ठीक है, और आपको 150 क्वेश्चन आपके हैं, 30+30+30, ये आपके लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड, आपका मैथ्स की जगह कोई भी आपका एसएस हो सकता है या कोई दूसरा, संस्कृत हो सकता है, हिंदी हो सकता है, और साइको है ना, बाल विकास, यहाँ पर कोई भी हो। अब हमें यहाँ जो मैनेज करने वाली बात है, देखिए मैंने जो अनुभव किया है मैं उसको थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपको पेपर को कैसे मैनेज करना है। देखिए आपके पास में 2 लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, आपके 2 ऑप्शनल है। मैं पहले मैथ्स और साइंस वालों की जो ग्रुप में मेरे से जुड़े हैं मैं उनकी बात करूँगा। आपके पास में लैंग्वेज फर्स्ट, सेकेंड, मैथ्स, साइंस और साइको है, ये आपको पता है कि आपके पास अच्छी तैयारी है, आपने हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ाए, और मुझे पता है कि आपके मैथ्स और साइंस की इतनी शानदार तैयारी है कि आपके 30 में से 30 क्वेश्चन राइट होंगे, ये मुझे विश्वास है आपकी तैयारी को देख करके। मैं आपसे रूबरू तो नहीं मिला हूँ, लेकिन आपके कमेंट से मुझे लगता है कि हाँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, और ऐसा ही लगता है जैसे कहीं हम आमने सामने बैठ के ही बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं हमारे कंटेंट पर। तो अब यहाँ जो हमारे 5 सेक्शन है, सबसे पहले पेपर को अगर आप खोलते हैं बहुत सावधानी बरतें उसके अंदर, क्योंकि एक ही जो बुकलेट आती है उस बुकलेट में सभी सब्जेक्ट आते हैं। आप पहले ये तय करें कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज फर्स्ट मेरी कौन सी है, आपका हिंदी इंग्लिश है या हिंदी संस्कृत है या जो भी है, आप उसमें
पहले ही तय कर लें, लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपकी हिंदी है तो उसको टिक कर लें, और बाकी उसमें क्योंकि लैंग्वेज उसके अंदर किसी के ऑप्शनल भी होगा, किसी के संस्कृत भी होगा, तो जो आपके हैं उन पेपर को आप पहले टिक कर लें कि मुझे ये करना है उस पेज को, और बाकी वाले पेज को पहले ही आप फोल्ड कर दें ताकि बार बार ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। आपकी लैंग्वेज फर्स्ट का जो है, चाहे हिंदी है तो आप हिंदी वाला पेज वहाँ बाकी वाले पेज वहीं अंदर फोल्ड कर लें, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, ताकि जैसे ही खोला आपने तो आपका पहला लैंग्वेज फर्स्ट ही मिला। वो पत्ते लैंग्वेज फर्स्ट के आपके 3 या 4 पत्ते जो भी होंगे वो पूरे हुए, फिर लैंग्वेज सेकेंड वाले के बीच में जो भी दूसरे सब्जेक्ट अगर आ रहे हैं आप उसको ही फोल्ड कर लें, जो आपके काम के नहीं, मान लो संस्कृत आ गया बीच में तो उसको फोल्ड कर लें, फिर लैंग्वेज सेकंड का काम हो गया, फिर मैथ्स या जो भी आता है आपका सब्जेक्ट, मैथ्स आने से पहले या साइंस आने से पहले आप बाकी के सारे पत्तों को फोल्ड कर लें अंदर, यानी अब उसमें बाकी सारे पत्ते फोल्ड रहेंगे, केवल और केवल आपके ये 5 सेक्शन जो उसमें ओपन रहेंगे, बाकी सब अंदर फोल्ड कर देना। इससे आपका टाइम बचेगा बार बार पढ़ने पलटने से उसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और अब उसके बाद में आपको काम करना है, ये तो सेट कर लिया, अब आपको कोई देर नहीं लग रही इस काम में, ध्यान रखना। अब आप इसमें ये तय करें कि हम सबसे पहले कौन सा सेक्शन करें। देखिए मैथ्स और साइंस वालों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले हो सके तो आप मैथ्स से स्टार्ट करें, कारण कि मैथ्स अगर आप बाद में लेते हो तो बहुत दिक्कत आती है। आप मैथ्स में शुरू करें, क्योंकि मैथ्स में अगर आप बाद में लोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो लास्ट का जो टाइम बचेगा आधा घंटा या एक घंटा, उसके अंदर किसी क्वेश्चन में अगर आपने, हो सकता है कैलकुलेशन करते लंबे लंबे लंबी बढ़ गई, मान लो कहीं मिस्ट फंस गए, तो आप उसके अंदर फंस जाओगे, आपका टाइम निकलता जाएगा, और जैसे जैसे कैलकुलेशन लंबी होती गई वैसे वैसे आप पर बर्डन बढ़ता जाएगा और पारा बढ़ता जाएगा आपका, और उसके गलत होने की संभावना और बढ़ जाएगी। ऐसी गलती नहीं, क्योंकि शुरू शुरू में आपके पास में क्वेश्चन तो 30 है आपके पास में, दिक्कत क्या है, और तैयारी आपकी अच्छी है, आप तो BSc किए हुए पर्सन है, आपको तो अच्छी तैयारी है, कंटेंट बिल्कुल सिंपल है, आपने देखा है। मेरे हिसाब से आप सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज हुआ, साइंस हुआ, साइको हुआ, इनमें आपके क्या है कि 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन को जैसे आपने पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पहले ऑप्शन को जैसे आपने पढ़ा, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन आपने समझ लिया। देखिए क्वेश्चन को आपको कम से कम तो 2 बार पढ़ना ही है, और हो सके तो आप 3 बार पढ़ें उसको, इससे आपको वो क्या पूछ रहा है पता चल जाएगा कि इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन वो इतना घुमाता है कि हम पूछ क्या रहा और हम समझ क्या रहे हैं, इसलिए आप आश्वस्त हो लें कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। फिर आपने 4 ऑप्शन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि उसका आंसर आपके दिमाग में है, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये राइट। आपको पढ़ते ही या 2 बार पढ़ा तो 2 बार पढ़ते ही आपको ऑप्शन का पता लग जाएगा, आप उसके अंदर टिक कर लें, ये काम मेरा हो गया, और आपको बबल वाला मामला हो जाएगा। लेकिन मैथ्स में 4 ऑप्शन पढ़ते ही आप आंसर नहीं दे पाओगे, आपको सोचना पड़ेगा, तो ये सोचने वाला टाइम अगर आप बाद में आधे घंटे में या 1 घंटे के लिए रखा तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। इनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 सेकेंड लग जाएंगे, तो 40 सेकंड में आप आराम से इसको कर पा रहे हो, लेकिन एक मैथ्स वाले क्वेश्चन को आप 40 सेकंड में केवल पढ़ पाओगे, सोल्व करने में 1 मिनट भी लग सकता है और 1.5 मिनट भी लग सकता है, तो 1 या 1.5 मिनट का कवर वो शुरुआत में से हो पाएगा, क्योंकि शुरू शुरू में आपके पर कोई दबाव नहीं होता, फ्रेश माइंड होता है, उस फ्रेश माइंड में आप मैथ्स के क्वेश्चन करें और उसके बाद आप साइंस के करें, ताकि और इसके बाद में आप लैंग्वेज में चलें और उसके बाद में आप साइकोलॉजी में चलें, ठीक है। अब इनमें क्या है कि भले ही आप आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें, और उस समय किसी भी हालत में अपना पूर्वाग्रह, सबसे बड़ी बात ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं, ठीक है ना,
पूर्वाग्रह जो होते हैं प्रिडिक्शन, क्वेश्चन पर कभी भी कोई पूर्वाग्रह हावी नहीं हो, ये ध्यान रखना। यूनिक ये तो मुझे आता है और मैंने ये कर दिया, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन जो कह रहा है वही आंसर लिखें। क्वेश्चन पढ़ते समय अगर पूर्वाग्रह हावी होगा तो आपको रॉन्ग आंसर दिमाग में रह जाएगा, इसलिए आप पूर्वाग्रह को हावी नहीं होने दें, ठीक है ना। आराम से पढ़ें और आंसर दें। अब यहाँ बात करता हूँ मैं, ये तो हुआ क्रम वाली बात। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, मान लो सपोज आपने मैथ्स वाला पोर्शन ले लिया पहले, यहाँ हो सके तो इस पूरे 30 क्वेश्चन को आप 3 भागों में बांटें, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। मेरी सोच ये कि आप उसको 3 भागों में बांट लें। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगता है कि उसके अंदर क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपको आ रहा है, पढ़ते ही, या मान लो 2 स्टेप या 3 स्टेप में आंसर सोल्व हो रहा है तो आप वो आएगा इस राउंड में, और 2 स्टेप और 3 स्टेप में आंसर आ रहा है, पक्की बात आप उसको 20 या 30 या 40 सेकंड में कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। तो इस में आपको फटाफट ये स्टेप निपटाएं आप, यूं करते करते इसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट कर लेंगे, 30 में से 20 क्वेश्चन में आपको देर नहीं लगेगी। यानी क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी, एक बार पढ़ी, फिर दूसरी बार पढ़ी और तीसरी बार और पढ़ ली, कोई देर नहीं लग रही। और उसके बाद में 2 बार ऑप्शन पढ़ें, एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन को आप क्रॉस करते जाएं, ये है नहीं, सबसे पहले जो ऑप्शन लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं है उसको आप क्रॉस कर दें। ज़्यादातर क्या होगा, 2 ही ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, 2 ऑप्शन जो आपको कंफ्यूज करेंगे, ये है या ये है, उन 2 ऑप्शन में आपको फटाफट करके और कर लेना है। तो उस केस में आपके 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 2 बार क्वेश्चन को पढ़ते ही और ऑप्शन पढ़ते ही आंसर मिल जाएंगे। तो ये आपके बिल्कुल करेक्ट, ये वो आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट है और आपको पता है कि हाँ ये मेरे राइट है। फिर आप सेकंड, अच्छा ये हो गए, आप इनको हल्का हल्का वहाँ हल्का हल्का टिक करते जाएं, क्योंकि एग्जामिनर मना करेगा कि पेपर में कुछ भी नहीं करना है, तो आपको हल्का अपने, कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा टिक करें, ऐसा आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं हमारे हिसाब से। अब सेकेंड राउंड, सेकेंड जो स्टेप है उसके अंदर उसको एक बार फिर पढ़ें, एक बार फिर पढ़ें। अब की बार क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने से या 3 बार पढ़ने से आपके इसके अंदर 5 क्वेश्चन ऐसे और होंगे जिनको आप आराम से कर लेंगे, ये भी आपके राइट हो जाएंगे। यानी 25 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हो गए दूसरे स्टेप में। अब तीसरा चरण आप यहाँ छोड़ दें, किसी भी स्टेप में फंसने की जरूरत नहीं, अगर स्टेप लंबी जा रही बात तुरंत रुकना है। ये वो स्टेप है जिसमें क्वेश्चन पढ़ते ही तो 1 या 2 स्टेप में हम आंसर निकाल पा रहे हैं, ये वो दोनों स्टेप्स हैं। अब आपके इसके अंदर कितने 5 क्वेश्चन बाकी, ध्यान रखना, तो जो बाकी है आप उनको राउंड करके चलें, उनको राउंड कर दें, सर्कल बना दें उनको, ठीक है ना, कि इनको करना बाकी है। यानी कि और अब इसके बाद आप साइंस में जाएं, साइंस के अंदर भी वही स्टेप्स, 3 स्टेप में ऐसे करते 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 आपने 20 क्वेश्चन इसमें निपटा दिए, और सेकंड चरण में आपने इसमें से 5 क्वेश्चन निपटा दिए, ठीक है। अब क्योंकि ये दूसरी बार पढ़ती आपके आ रहा है, अब तीसरा जो चरण है अभी आपको छोड़ के रखना, ये 5 क्वेश्चन आपको छोड़ देने, अभी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब एक बार छोड़ने हैं, छोड़ के घर पर आने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, छोड़ना तो एक क्वेश्चन है ही नहीं, एक ही क्वेश्चन ही छोड़ना है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जिनको 2 बार 3 बार पढ़ने पर भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये वो क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि आपको लैंग्वेज या साइकोलॉजी में आए, लैंग्वेज में ऐसे यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप सेकेंड और थर्ड, यहाँ से आपने 20 कर लिए, ठीक है, 5 कर लिए, ये वाला बाकी पढ़ा, ऐसे यहाँ पर भी आपने 20 कर लिए, यहाँ 5 कर लिए और ये बाकी पढ़ा, ये निपटा दिए। बाल विकास जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब इसके अंदर आप पहले यहाँ से आप 20 कर लें, 5 यहाँ कर लें, इसको छोड़ दें भाई, ठीक है। ये काम करते ही
आपके पास देखिए 25, 25, 25 और 25, ठीक है ना। ये आपके पास में एक सिस्टम बन गया कि इतने क्वेश्चन आपके पास में राइट हो गए हैं। अब आपके पास में ये सब करने के बाद में शायद आपके पास बचेगा आधा घंटा, उसके अंदर आधा घंटा आप बचा लें, ठीक है ना। आधा घंटा बच जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसके अंदर आधा घंटा जो बच रहा है, इसके लिए सबसे पहले आप वापस आएंगे इसके अंदर। ये वो क्वेश्चन है जो आपने दो बार तीन बार पढ़ने के बाद भी आप कर नहीं पाए, ठीक है, और टाइम लग रहा था, सोचना पड़ रहा था, अब आपके पास सोचने का टाइम है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले भी एक बात और कहना भूल गया हूँ मैं, ये क्वेश्चन जो हो गए किसी भी हालत में OMR शीट जो है उसको एक साथ नहीं भरें। यूनि के सारे पहले क्वेश्चन सोल्व कर लिए, टिक करते गए, मैं लास्ट में किसी हालत में ये गलती नहीं करनी आपको मेरी। अगर तो बात ये है कि आप जो क्वेश्चन आपका हो चुका है आप उसको तुरंत बबल करें, ठीक है, ये किया और ये आपका बबल, ताकि ये आपका क्वेश्चन राइट हुआ और इसके नंबर आपकी जेब में, अब कोई आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है। फिर भी आप कहें कि यार बार बार उसको OMR शीट लेना करना देर लगती है, तो आप 1 से 5, 10 से 15, 15 से 20 5-5 क्वेश्चन भर दें। इससे क्या है कि आपके बर्डन बढ़ेगा नहीं, जो भर दिए वो आपको पता रहेगा कि ये तो मेरे इसमें है ही है, ठीक है ना, ये मेरे नंबर कोई ले नहीं सकता। तो OMR शीट को एक साथ कभी नहीं भरें, आप साथ साथ भरते जाएं, रह गया तो चक्कर पड़ जाएगा। फिर यहाँ OMR शीट भरने के अंदर भी एक दिक्कत है, एक चक्कर पड़ता है, आपने क्वेश्चन नंबर 5वां लिया या 15वां क्वेश्चन लिया, ठीक है, अब यहाँ से आपने बबल भी देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आप यहाँ से जब बी को लेकर के जाएं पेपर में से और OMR शीट में जा रहे हैं, वहाँ आपका 15वां क्वेश्चन तुरंत देखें कि उसमें 15 नंबर का क्रमांक कहाँ है, बहुत ध्यान रखें। उस क्रमांक को देखने के बाद में उसमें ABCD जहाँ है आप उसमें राउंड करें। अब आप कहेंगे कि सर हम जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी जानते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मेरी ये बात कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है ना। कभी भी इस बात का ध्यान रखें, क्रमांक जो पेपर का है वो उसमें पे OMR शीट में ढूंढें और उसमें सही जगह बबल करें। बबल को सही जगह करना बहुत बड़ी बात है, बड़ी सावधानी है, ध्यान रखना, नहीं तो सब एक अगर आगे पीछे हुआ तो सब भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें। तो ये इस तरीके से आपके बबल्स भरने में भी आपको ध्यान रखना है। एक तो OMR शीट एक साथ नहीं भरनी, मैं तो कह रहा हूँ कि एक सही हुआ भरा, दूसरा सही हुआ भरा, फिर भी आप चाहें कि नहीं मैं 5-5 भरूँ तो 5-5 भर, लेकिन 10-10 नहीं, 10 को इकट्ठा नहीं करना है। क्या पता पल में प्रलय हो गई, बहुरी करे हो कब, कभी ऐसी गलती नहीं करनी। तो इसलिए अपने को साथ साथ ही कर लेना। अब इसके अंदर आपके पास 5-5 क्वेश्चन इनके बाकी है। देखिए कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये है, मैथ्स वाली बात करूँ, आपके पास यहाँ 5 क्वेश्चन बाकी है। आपको ये पता है कि ये 5 क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, आपने क्वेश्चन पढ़ा है। मान लो क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है, ठीक है ना, या सरल ब्याज का, या लाभ हानि का है किसी का भी, ये बहुपद का है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और आप थोड़ा विचार करें कि जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर से आपने क्या क्या पढ़ रखा है, क्योंकि टॉपिक आपने पढ़ रखा है, उस टॉपिक के अंदर से किस कोने पे कहाँ पे क्या चीज़ थी, उन सभी को एक पल के लिए एक क्विक उसको एक क्लिक कर दें दिमाग में से कि वो कहाँ कहाँ आप घूमे हो, फिर आप करें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा करके आपको लास्ट के ये 5 क्वेश्चन जो है सभी के आपको लास्ट आधे घंटे में करने, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं तो फिर भगवान से प्रार्थना करना
कि हे भगवान, मैंने अच्छे कर्म किए, सब पता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, अब मैं अंदाज से ये भर रहा हूँ, तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक है, आप आराम से तुक्का लगाएं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और इसलिए आप ये पांचों क्वेश्चन भी आप उसके अंदर कर लें। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको। ऐसे करके आपको पेपर को मैनेज करना है, आपका पूरा पेपर सही होगा, ठीक है। बीच बीच में इस बात का ध्यान रखें, टाइम अगर सामने घड़ी लगी हो तो ठीक, नहीं तो आप जो वीक्षक होता है इन्विजिलेटर, आप उससे पूछते रहें, सर कितना टाइम बाकी है। बस इस सिस्टम से आपको पेपर सोल्व करना है, आपका पेपर अच्छा होगा। वैसे यहाँ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, 90 नंबर कोई भी ला सकता है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे CMPC परिवार के अंदर जो मेंबर है, ठीक है ना, वो चाहे कितनी भी कम तैयारी हो उसके, ठीक है ना, वो आराम से 120 प्लस नंबर वाले हैं, 120 से कम वाला कोई नहीं है। अगर उसने कुछ पढ़ा नहीं है ना, खाली ये वीडियो देखे हैं, 120 से कम वाला इसमें कोई नहीं है, मुझे ये पता है। आप थोड़ा सा ढंग से काम करना और कंटेंट को ठीक से पढ़ लेना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और जब लास्ट में आप पेपर ख़त्म करते हैं तो उसके बाद में आपको हर चीज़ को एक बार और देख लेना है, मेरा उस OMR शीट में कोई क्वेश्चन छूटा हुआ तो नहीं है। कितनी बार जाता है, आप हर क्रमांक को चेक कर लें कि हर क्रमांक पर मैंने बबल्स कर रखा कि नहीं कर रखा, क्योंकि पेपर आपको मिलेगा नहीं, 99% पेपर आपको नहीं मिलेगा, क्लियर, उसमें हो चुके आदेश, तो पेपर नहीं मिलेगा आपको, OMR शीट की कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो घर पे आकर के कौन सा सही है कौन सा गलत है देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यानी टेंशन लेने की बात खत्म हो जाएगी बिल्कुल, पेपर दे दिया करके आ गए, फिर आराम से सो। तो ये जो चीज़ें हैं, इन पांचों जो है, जो 1, 2, 3, 4 और 5 पांचों सेक्शन को आप आराम से करें, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी क्वेश्चन जब करते हैं और उसमें अगर थोड़ी देर लग गई है, ठीक है ना, तो उसमें मतलब अपने आप पर बर्डन मत लेना, ऊपर बोझ हावी मत होने देना, किसी भी वजन को मत आने देना। आपको ये मानना कि नहीं मुझे आते हैं, मुझे सब कुछ आते हैं। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा जो रह गई, मेरी थ्योरी ये रही है, मैं कभी भी कोई एग्ज़ाम देता तो पूरे पेपर को मैं कभी देखता नहीं, लोग पूरा हर पेज को निकाल निकाल देखते कहाँ पे क्या है, कभी ऐसी गलती नहीं करनी। हाँ, हल्का यूँ देख लेना कि सारे क्वेश्चन हैक नहीं है, एक पूरे 30 क्वेश्चन नहीं है, बस वो हर एक क्वेश्चन को पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हर सेक्शन से पहले क्वेश्चन को यूँ ही पढ़ लिया एक बार, ठीक है ना, बहुत सारे कहते हैं कि सारे पेपर को पढ़ो पहले, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्लिक करते आपको आ रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे क्लिक करते ही, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बर्डन प्रिपेयर करेंगे। दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा होगा उस पर वो क्वेश्चन उस पर एक लेयर डाल देगा, वो दबाव डालेगा, ठीक है ना। तो हमें ऐसी गलती करनी नहीं, देखना ही नहीं, हमें सबसे पहले जो सिस्टम बताया कि जो पहले राउंड में जो आ रहे हैं धनाधन धनाधन किया, ठीक है, फिर सेकेंड में और कर लिया, थर्ड वाले को छोड़ा, और क्लियर बता दिया कि दो घंटे के अंदर आपको ये 25-25 क्वेश्चन रिटर्न है, फिर ये 5-5 क्वेश्चन हैं जिनको एक बार पढ़ना है, आपके पास आधा घंटा है, आप आराम से उनको फिर से पढ़ करके और कर सकते हो। तो ये तरीका आपको रखना है, आप बिल्कुल अच्छा करके आएंगे एग्ज़ाम में, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आप मेरे से जुड़े, मैंने आपके लिए प्रयास किया, आपने मुझे सपोर्ट किया, मैंने आपको सपोर्ट किया, और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की, और आपने उसको पढ़ा, अच्छा लगा, ठीक है। आप मेहनत करें, और आपको ये 19 या 20 तारीख तक आपको मेरे खास खास लेक्चर मिलेंगे, उसके बाद में आपको मतलब नया कुछ नहीं पढ़ना है। इन 20 तारीख पहले पहले आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, आप जो कुछ है उसको पुराने को रिवाइज करना है। कोई भी टॉपिक ऐसा आ जाए या मेस में सवाल करते करते घर पे जैसे अभी कर रहे हो, अभी 4-5 दिन बाकी है, थोड़ा संडे दूर है,
और क्वेश्चन कर रहे हैं, अरे यार मेरे को तो ये सवाल ही नहीं रहा लाभ हानि का, अब मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ तो आता ही नहीं, दिमाग में ये बात नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन तो बाहर में जाए पढ़ रहे थे उसको। हर क्वेश्चन मैंने पहले भी कितने भी कहा कि हर क्वेश्चन अपने बाप का नहीं, ठीक है ना, हम ये देखो कि मुझे ये इतनी सारी चीज़ें आती है, जो नहीं आता उसकी बात ही नहीं करनी। ये मान के चलो कि मुझे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने इतना सारा पढ़ा है, मैंने इतने सारे लेक्चर देखे हैं, मैंने सॉल्व किए, मुझे ये इतना सारा आता है, और क्वेश्चन उन्हीं में से आएगा और मैं कर लूँगा, ये सोच करके आपको एग्ज़ाम में जाना है। इन जो 4-5 दिन बच रहे हैं इनमें आपको पुराना ही पढ़ना है, नया ज़्यादा उलझना नहीं है, ठीक है, और किसी भी नए कंटेंट पर उलझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरी आपसे बात थी, मुझे जो ज़रूरी बात कहनी थी मैं आपसे इसी वीडियो के माध्यम से इस एग्ज़ाम के बारे में ज़रूरी बातें करके और आपको थोड़ा सा रूबरू होना चाह रहा था, तो मैंने आपको बताया मुझे पता है आप अच्छा काम करेंगे और आप लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। थैंक्स, खुश रहें, मज़े करें और अच्छा करके आएँ।